अगर आप टेन के जी तक लूज करना चाहते हो आपसे डाइट और वर्कआउट बिल्कुल नहीं होता आप, करना चाहते तो में आप कर सकते हो क्योंकि कुछ ऐसी कर पाओगे। बस एंड तक जरूर देखो क्योंकि पता नहीं कौन सी बातें आप वर्क कर जाए और आप इजिली टेन के जी तक लूज कर पाओ तो वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे डाइट और वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो पाता है एंड विदाउट वेस्टिंग उसको भी हो गया जैगरी होना है क्योंकि जो शुगर होता है ना जो मीठा होता है उसमें अननेसे कैलरीज होती है, जो आपके को बढ़ा देता है तो आपके को बिल्कुल नहीं होने देता है तो मेक श्योर करो कि आप शुगर

ऑटोमेटिकली आप कम खाओगे आपके कैलरीज काउंटिंग भी कम हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली आप वेट लॉस करने लग जाओगे बहुत इजीली तीसरा तरीका यह है ट्राई टू इंक्लूड सैलेड एंड प्रोटीन रिच फूड इन योर एवरी मिल ट्रस्ट मी मिंगाइज ये चीज़ आपको अमेजिंगली हेल्प करेगी आपके वेट लॉस में कैसे जब आपने हर एक मील में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करोगे तो जो प्रोटीन होता है ना वो आपके सबसे पहले तो आपको फुल फील रखता है लंबे समय तक जिससे आप ओवर ईट नहीं करते और सेकेंडली आपके मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है साथ ही साथ अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो ये आपके स्किन में हेयर में ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाता है आपके ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है तो मेक श्योर करो कि प्रोटीन रिच फूड अपने हर एक मील में कोशिश करो इसके साथ साथ जरूर खाओ क्योंकि जो ये होता होता है 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 जो फाइबर होता है, वो आपके आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता मेटाबॉलिज्म वेट ज्यादा स्मूदली होने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना डाइट के वे, अमेजिंगली वेट लॉस कर पाओगे तो कोशिश कीजिए हर एक पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए

ही नहीं कर सकते उनसे या तो हो नहीं पाता है या तो उनके पास टाइम नहीं होता है ये सारे रीजन हो सकते। तो जरूरी नहीं वर्कआउट करके है, अगर में मार्केट जा रहे हो, से जाते हो तो मेक श्योर करो आप वॉक करते हुए इससे भी आपका कैलरीज बर्न आउट होगा या फिर अगर आप बहुत बिल्डिंग वगैरह में रहते हो ऊपर जाना होता है लिफ्ट से जाना होता है तो ट्राई करो स्टेयर से जाओ इससे भी आपका डेली एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है या फिर अगर आप